लुक के मामले में शायद तैमूर वन ऑफ द बेस्ट पपी था, बट किस्मत के मामले में शायद ये उतना अच्छा नहीं था। तो इसका रीजन क्या था, तो आज के ये पूरी स्टोरी है तैमूर के ऊपर, और जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर तैमूर के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये अभी तक मेरे पास है और अभी तक ये सेल आउट नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग पता करने वाले हैं। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हुआ ये कि तैमूर सेल आउट हो गया था, बट उसके बाद इसके साथ एक प्रॉब्लम ये हुई कि इसे हो गई एक डॉग बाइट। वो कैसे हुई, किस डॉग ने किया और मैंने किन्हें इसे सेल किया, ये सारे नाम जो है मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता सकता। खैर तो यार इसको हो गई एक डॉग बाइट अपने इस राइट लेग में, या फिर राइट साइड के ये जो ज्वाइंट होता है जो कि हमारी जांघ होती है बेसिकली वहाँ पे। और उसके बाद इसके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि इसका जो लेग है वो शायद फ्रैक्चर हो गया था, और उसके बाद इसमें आ गई काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग, और इसकी स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि यार किसी को भी लग नहीं रहा था कि तैमूर दोबारा सर्वाइव कर पाएगा। बट हमने यार फाइनली इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और इसके एंटीबायोटिक्स डायरोटिक्स वगैरह इसके चले, और फाइनली इसकी जो स्वेलिंग थी वो टोटली ख़त्म हो गई और अब ये काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और यार एक प्रॉब्लम ये हुई कि जब इसकी स्वेलिंग के कारण हम इसे एक्सरे नहीं करा पाए, और स्वेलिंग के टाइम पे एक्सरे नहीं होता है, और उस कंडीशन पे यार हुआ ये कि हमें पता नहीं चला कि इसका जो फ्रैक्चर है वो एक्चुअल में फ्रैक्चर है या नहीं। बट जैसे ही स्वेलिंग कम हुई तो एक हफ्ते बाद हमने इसका दोबारा से एक्सरे कराया, मतलब एक हफ्ते बाद हमने इसका एक्सरे कराया और उसमें ये चीज़ पता चली कि इसकी जो स्वेलिंग है और जो इसका लेग है वो फ्रैक्चर नहीं है। बट इसमें एक समस्या और आ गई कि इसका जो लेग था उसमें वापस से यार पस बनना स्टार्ट हो गई, पस काफ़ी ज़्यादा बनने लगी, और उसे निकालने के चक्कर में इसकी छोटी मोटी काफ़ी सारी सर्जरीज हुई। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे इसका जो है शेप हो चुका है, और यहाँ पे यार रेगुलर बेस पे इसको यहाँ पे कट लगाया जाता था, और उसके बाद एक पेनफुल प्रोसेस होती थी इसको ऊपर से पूरा फोर्स करके जो इसकी पूरी अंदर की जो पस है उसे निकाली जाती थी, और इसके एंटीबायोटिक्स चल रहे थे। तो फाइनली अब इसकी जो पस बनना है वो टोटली ख़त्म हो गई, बट अभी भी इसकी प्रॉब्लम यार पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई थी। अभी हुआ ये कि इसके पस वगैरह तो निकल गई, बट यहाँ पे इसके एक गांठ बन चुकी है ये वाले लेग में, जहाँ पे डॉग बाइट हुई थी वहाँ पे इसकी एक गांठ बन चुकी है, और उसके कारण अब ये प्रॉपर चल नहीं पाता। अभी इसका जो एक लेग है टोटली बेकार हो चुका था, और एक लेग से यार टोटली कुछ भी नहीं कर पा रहा था, अपने लेग को मूव भी नहीं कर पा रहा था। फिर फाइनली हमने इसकी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट की, इस पर मसाज वगैरह करना स्टार्ट किया ऑयल वगैरह यूज़ करके, और फाइनली अब ये काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। मुझे पता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही थी, इसका रीज़न यही है कि मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम इस पर दे रहा था। तो यार लगभग ये 15-20 दिन से मेरे पास है, और 15-20 दिन मैंने इसको यार अपना पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम इस पर दिया है, और इसको मैंने काफ़ी अच्छा कर दिया अभी फाइनली, और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट और काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा हो चुका है। ये अपने भाई बहन से थोड़ा छोटा रह गया, इसका रीज़न ये था कि यार इसकी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हुई, जहाँ पे मैंने दिया उसने प्रॉपर केयर नहीं की, और खैर वो सब बातें हम लोग कभी और करेंगे क्योंकि वो सब बातों में यार जाने कोई मतलब है नहीं। और फाइनली अब ये जो है काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, ये लगभग 75% रिकवर कर गया है, और ऑलमोस्ट 10 दिन में यार टोटली चलने भी लगेगा। अभी इसने अपना ये वाला लेग जो है वो हल्का हल्का रखना स्टार्ट कर दिया है, और उम्मीद है कि काफ़ी जल्दी अपने चारों टांगों से दौड़ पाएगा, और वो वीडियो भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो इसे अडॉप्ट करना तो यार आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं इसे फ्री पे नहीं दे सकता किसी को, इसका सिंपल सा एक रीज़न ये है कि अगर आप फ्री में किसी को कोई चीज़ देते हो तो वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता, उसकी कोई कदर नहीं करता, सिर्फ इसका यही रीज़न है कि जिस कारण से मैं इसे यार फ्री में आपको या किसी को भी नहीं दे सकता। बट अगर आप इसे अडॉप्ट करना चाहते हो, इसे परचेज करना चाहते हो बेसिकली एक लोएस्ट अमाउंट पे, जो भी आप अपने दिल से देना चाहो, ऐसा कोई वो नहीं है मेरा कि यार ये प्राइस पे दो या फिर ये प्राइस पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी अपने पॉसिबल प्राइस है वो अगर आप पे कर सकते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरी लोकेशन है जबलपुर मध्य प्रदेश, तो यार केवल वही लोग कॉन्टैक्ट करें जो आ सके लेने, क्योंकि यार डिलीवरी वगैरह जो है वो अवेलेबल नहीं है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि यहाँ तक आके दे दो, यहाँ तक आ जाओ, आधे रास्ते आप आ जाओ, तो यार ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, मैं यार ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यार मैंने काफ़ी ज़्यादा यार क्योंकि इसमें यार काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और कई बार यार लोग जो है वो थोड़े फ्रॉड रहते हैं, तो यार ये चीज़ भी होती है। तो आप खुद आओ, पहले आप देखो पपी, अगर आपको पसंद आता है तो आप ले लो। और बाय द वे इसकी पपी डीपी है, और दूसरी जो वैक्सीन है वो डन नहीं है, क्योंकि यार पपी डीपी के बाद मैंने इसे दे दिया था। हमारा काम होता है सिर्फ पपी डीपी लगाना, जैसे कि आप लोगों को पता होगा मैं कोई ब्रीडर नहीं हूँ, बट उसके बाद उन्होंने जिनको मैंने दिया उन्होंने वैक्सीनेशन वगैरह नहीं कराया, तो ये सब तो आपको कराना पड़ेगा। अभी इसकी एज लगभग 2.5 महीने कम्प्लीट हो चुकी है, और इसके लेग में कितना डिफरेंस आ गया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तैमूर, तो आप देख सकते हो यार, देख सकते हो आप इसका जो ये वाला लेग है राइट वाला वो प्रॉपर नीचे नहीं जा रहा है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे इसके जो लेग में यहाँ पे गांठ बन चुकी है, और अब इसकी एक्सरसाइज हो रही है, और उसके बाद हो सकता है कि ये ठीक हो जाए, बट
मेरी तो पूरी तरह से पूरी कोशिश है, बट इतना जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये डिफरेंस आ चुका है दोनों लेगों के बीच में, और आई होप यार ये रिकवर कर जाएगा। ए तैमूर, बाकी बहुत प्यारा बच्चा है, इसने काफ़ी कुछ झेला है, काफ़ी सारे इंजेक्शन इसको लगते थे, काफ़ी कट लगते थे बिना किसी एनेस्थीसिया के या फिर बिना किसी शून्य करने वाली दवाई के, और फाइनली ये काफ़ी अच्छा हो चुका। और यार एक चीज़ और मैं सोच रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हो कि वो चीज़ करूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कर लो, मैं कमेंट सेक्शन में प्लीज़ यार आप लोग मुझे बता देना, और अगर इस वीडियो में अच्छी खासी लाइक हो जाती है और आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्ड रहता है तो यार मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस पपी को खुद ही रख लूँ। रखने का सिर्फ एक ही इशू है कि मैं इसे क्यों नहीं रख सकता, इसका सिंपल सा एक इशू ये है कि यार देखो यार मुझे जॉब वगैरह करनी है, और जॉब वगैरह के लिए यार जबलपुर से मुझे बाहर जाना पड़ेगा, और उस टाइम पर यार घर पर इसकी केयर करने वाला शायद यार उतनी अच्छे प्रॉपर केयर नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं इसे रखना थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, वरना मन तो मेरा भी है बहुत ज़्यादा इसको रखने का। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करते हो और आप लोग बोलते हो कि यार रख लो इसे, और अगर इन फ्यूचर आप लोग वादा करते हो कि यार थोड़ा सा आप मेरा साथ दोगे, तो यार हम इसको रख सकते हैं अपने पास, और फिर मैं इसको हमेशा अपने पास ही रखूँगा और इसे प्रॉपर ठीक भी करके बताऊँगा मैं। और अगर आप लोग ये चाहते हो तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और बाय द वे विनी बोल रही, विनी तो विनी भी यार पहले से काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुकी है, आप देख सकते हो। बट विनी और इसकी यार उतनी ज़्यादा बनती नहीं है, प्रॉब्लम ये है। और चलो यार आज के वीडियो में इतना ही था, और सॉरी यार वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसका रीज़न आप लोगों को मैंने बता दिया, और उसके साथ साथ मैंने जॉब वगैरह ज्वाइन कर लिया था, उस चक्कर में भी यार थोड़ा बिजी हो गया था, बट फाइनली सब शॉर्ट आउट हो चुका है। और आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई तो इसे यार लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।